मामूली बात को लेकर पिता और पुत्र द्वारा पड़ोसी पर लोहे की हथौड़ी से वार किए जाने का मामला हुड़केश्वर पुलिस थाना अंतर्गत सामने आया है। इस मामले में आरोपी पुत्र को गिरफ्तार किया जा चुका है, ऐसी जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सार्थक निहते ने दी। गुरुवार को हुड़केश्वर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले दुबे नगर में फिरियादी अमोल वंजारी और आरोपी सुरेश देवगढ़ के बीच मामूली चीज को लेकर विवाद हुआ। विवाद की वजह सिर्फ इतनी सी थी कि फिरियादी अमोल ने आरोपी के पास स्थित खाली जगह पर अपनी दोपहिया गाड़ी रखी, जिस पर आरोपी ने आपत्ति दर्ज की। इस बात को लेकर दोनों में विवाद चल ही रहा था कि इस बीच आरोपी का पुत्र दिनेश उर्फ पिंटू ने इस मसले में दखल दी और फिरियादी को पास ही रखे लोहे की हथौड़ी से वार कर जख्मी कर दिया। वहीं आरोपी सुरेश ने फिरियादी की मां मंदा वंजारी को उन्हीं की लाठी से वार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सार्थक नेते ने अधिक जानकारी साझा की। काल दिनांक 24 रोजी संध्याकाळी पोलीस स्टेशन हद्दीमधील दुबे नगर या ठिकाणी दोन शेजाऱ्यांमध्ये किरकोळ कारणावरून वाद झाला। त्यांच्या घरासमोरील जी मोकळी जागा होती त्या ठिकाणी फिरियादी नामे अमोल वंजारी याने त्याची दुचाकी लावली होती आणि त्याला आरोपी सुरेश देवगडे याने आक्षेप घेतला। त्याच्यावर त्याच्यात किरकोळ वाद झाला। वाद झाल्यानंतर आरोपी सुरेश देवगडे आणि त्याचा मुलगा दिनेश उर्फ पिंटू देवगडे यांनी फिर्यादीवर हल्ला केला। दिनेशने तिथे पडलेल्या एका लोखंडी हातोडीने फिर्यादीच्या चेहऱ्यावर आणि डोक्यावर मागून वार केला आणि आरोपी सुरेश देवगडे याने फिर्यादीची आई मंदाबाई वंजारी यांच्या कमरेवर आणि पायावर त्यांच्याच हातातील लोखंडी काठीने मारहाण केली। फिर्यादीला GMC उपचारार्थ ॲडमिट केलेलं आहे। आरोपी दिनेश हा पोलिसांच्या ताब्यात आहे आणि सुरेश हा अद्याप पावितो याला अटक केलेली नाही, तो दवाखान्यात उपचार घेत आहे। 6 महिन्यापूर्वी म्हणजे गेल्या जून महिन्यामध्ये याच फिर्यादीने तक्रार दिल्यावरून आरोपीविरुद्ध एक NC पोलीस स्टेशनला दाखल आहे आणि त्यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई देखील करण्यात आली होती। आरोपींच्या स्वभावामुळे परिसरामध्ये ते कुविख्यात आहेत, सतत ते परिसरातील लोकांशी किरकोळ कारणावरून भांडण करत असतात, असं तक्रार होती लोकांची। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पुत्र को गिरफ्तार किया है, वही आगे की जांच जारी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।